जय गुरुदेव। मथुरा 19 से 25 दिसंबर 1966। 19 दिसंबर सन 1966 सवेरे 7 बजे से 25 दिसंबर सन 1966 सवेरे 9 बजे तक मैं वार्षिक भंडारे के अवसर पर चिरोली संत आश्रम कृष्णानगर पर ही रहा मथुरा में। स्वामी जी महाराज बड़े ही प्रसन्न थे। बाहर से जितने भी प्रेमी आते थे उनका हार्दिक स्वागत स्वामी जी महाराज करते थे। मैदान में एक चौकी पर स्वामी जी बैठते थे। आवश्यकता की हर वस्तुओं का इंतजाम ठीक ठीक स्वामी जी महाराज ने किया। कई बार फोन भी गुरु महाराज किए। प्रेमियों के ठहरने का जो डेरा था उसे ध्यान से देखे और उसमें बिजली वगैरह सब कायदे से फिट करवाए। रात में 19 और 20 तारीख को 8 बजे से 10 बजे तक स्वामी जी महाराज सत्संग किए। 21 तारीख को स्वामी जी महाराज की तबीयत खराब हो गई विशेष। थोड़ी देर सत्संग करके स्वामी जी महाराज अपने कमरे में चले गए। स्वामी जी दो बार उल्टी किए। वहां कमरे में हीटर लगाया गया। स्वामी जी महाराज पलंग पर बिल्कुल लेट गए और सो गए। श्री विष्णु जी लुल्ला स्वामी जी महाराज के गुरु भाई और देवरिया वाले डॉक्टर साहब कमरे में रहे। 22 तारीख को जिस दिन भंडारा था स्वामी जी महाराज आरती वाले कमरे में आए। अपने खड़ाऊ दरवाजे पर किनारे उतारे नंगे पैर कमरे में आए। लगभग एक घंटे तक स्वामी जी महाराज श्री बाबा जी प्यारे लाल जी पाठक सेठ कन्हैया लाल जी पंडित जी श्री सुदर्शन जी और कई स्वामी जी महाराज के गुरु भाई बहनों ने पहले दादा गुरु महाराज की आरती की। दादा गुरु महाराज के परिवार के लोगों ने आरती की। मैं दरवाजे पर खड़े होकर सब चीज देखता रहा। दादा गुरु का चमड़े वाला जूता खड़ाऊ उनके पहने हुए वस्त्र उनके सिर के बाल खुले रखे थे और उनका सिल्कन कपड़े में बांधा हुआ फूल फूलों से ढक कर रखा हुआ था। सभी लोगों ने वहां अपना मत्था टेका। इसके बाद अपने सभी प्रेमियों को आरती करने का आदेश स्वामी जी महाराज ने दिया। आरती के कमरे में एक एक करके प्रेमी जाने लगे। अपनी अपनी श्रद्धानुसार भेंट के साथ लोग आरती करते रहे। स्वामी जी महाराज जमीन पर आसन पर बैठे थे। बगल में बाबा जी बैठे थे। स्वामी जी महाराज प्रेमियों को अपने हाथ से गले में माला पहनाते थे और प्रसाद प्रेमियों को बाबा जी देते थे। किंतु कभी कभी स्वामी जी महाराज भी अपने हाथ से प्रसाद देते रहे। लगभग 12:30 बजे दिन तक प्रेमियों ने आरती की। इतने समय के बीच में 3 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्वामी जी महाराज ने आराम किया। एक बार उनको उल्टी भी हुई। तबीयत बहुत अधिक खराब स्वामी जी महाराज की हो गई थी। उसी में आरती के बाद स्वामी जी महाराज ने भंडारे का कार्य शुरू किया। बाद में अपने कमरे में ही रहे। वे किसी से मिलते जुलते नहीं रहे। रात में सत्संग के समय स्वामी जी महाराज की तबीयत ठीक थी। लगभग 10:30 बजे तक स्वामी जी ने सत्संग किया। एक लड़के लड़की की शादी भी हुई। स्वामी जी महाराज ने वो शादी करवाई। 23 तारीख को स्वामी जी महाराज सुबह 6:30 बजे नए आश्रम मोहली मधुबन पर गए। लगभग सभी प्रेमी भी वहां गए। करीब 2 बजे तक स्वामी जी महाराज वहां रहे। वहां गुरु महाराज ने सत्संगियों की इच्छा पूर्ति करते हुए उनके कई बच्चों का मुंडन संस्कार किया। वो दृश्य बड़ा ही अजीब था। स्वामी जी महाराज हाथ में कैंची लेकर आगे आगे चलते रहे और अगल बगल पीछे प्रेमियों की भीड़ चलती रही। सामने जिन जिन बच्चों का मुंडन करना होता था स्वामी जी उनके बाल को तुरंत कैंची से काटते जाते थे। इसके बाद एक जगह स्वामी जी महाराज बैठे। आसपास प्रेमियों की भीड़ बैठी। एक प्रेमी ने प्रार्थना गाई। स्वामी जी महाराज ने उसे गौर से सुना। प्रार्थना में बड़ी कशिश थी। सभी प्रेमी सत्संगी भाई भाव विहल हो रहे थे। रह रहकर स्वामी जी महाराज इधर उधर देखते रहे। सभी प्रेमी अब श्रमदान कर रहे थे। इस नए आश्रम की जमीन में कांटेदार झाड़ियां बहुत थी। लोगों के पैरों में अक्सर कांटे चुभ जाते थे। जमीन भी काफी सूखी थी।
श्रमदान करने के बाद प्रेमियों ने स्नान किया। मैदान में एक गहरा कुआं बहुत पुराना था, वहां एक बोरिंग स्वामी जी महाराज ने कराई, उससे भरपूर पानी मिलने लगा। कहा जाता था, स्थानीय पास के गांव वाले कहते थे कि यहां द्वापर में श्री कृष्ण भगवान गायें चराने आते थे, यही मधुबन है। स्नान करने के बाद सभी प्रेमियों ने भोजन पाया, भोजन वहीं प्रेमियों ने पकाया था। स्वामी जी महाराज मैदान में ही एक झोंपड़ी बनाई गई थी, उसमें भोजन करने के बाद थोड़ी देर आराम किए। मैंने स्वामी जी महाराज को वहाँ अपना एक पत्र दिया व्यक्तिगत। वहाँ जब स्वामी जी थे तो दो बार लघु शंका करने गए। कुछ देर के बाद स्वामी जी अपनी मोटर से कृष्णानगर आश्रम गए। मैं भी कृष्णानगर आश्रम पर पहुंचा और सब सत्संगी भाई भी वहां चले आए। शाम को 4 बजे स्वामी जी अपने कमरे में से बाहर निकले और बाहर ठीक से सफाई करने के लिए कहे। सभी प्रेमी सफाई करने में जुट गए। स्वामी जी महाराज उन्हें देखते रहे। सफाई हो गई तब प्रेमीगण स्वामी जी महाराज के सामने बैठ गए। बाहर जाने वाले प्रेमी एक एक करके स्वामी जी महाराज के पास आते रहे और आशीर्वाद प्राप्त करके जाते रहे। स्वामी जी महाराज अपने चरणों को समेट कर बैठे थे। आदेश अनुसार लोग दूर से ही प्रणाम करते रहे। स्वामी जी महाराज ने बड़े प्यार से जाने वालों को विदा किया। रात में 8 बजे से 10 बजे तक फिर स्वामी जी महाराज ने सत्संग किया। 24 तारीख को प्रातः स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों को दर्शन दिया और थोड़ी देर सत्संग किए। आज रात में 8 बजे से 10 बजे तक स्वामी जी महाराज ने सत्संग किया। आज भी बाहर से आने वाले प्रेमी वापस जाते रहे। मैंने देखा कि स्वामी जी महाराज और सभी व्यवस्थाओं से ज़्यादा ध्यान भोजन पर देते थे। चाहते यह रहे कि कोई भी प्रेमी बिना खाए न जाए। जाने के पहले ही स्वामी जी महाराज जाने वाले सत्संगी से भोजन और प्रसाद की बात अक्सर पूछ लेते थे। सभी लोग भोजन करके और प्रसाद लेकर ही जाते रहे। तबीयत की खराबी से स्वामी जी महाराज ने स्नान नहीं किया और तबीयत खराब रहते हुए भी उन्होंने भंडारे की व्यवस्था सत्संग में सत्संगियों के देखरेख में बहुत ही परिश्रम किया। रात में कमरे में से निकलकर चारों तरफ स्वामी जी महाराज घूम भी आते थे। एक दिन कंबल ओढ़कर स्वामी जी महाराज ने सत्संग किया। स्वेटर और ओवरकोट भी स्वामी जी महाराज पहने थे धोती के ऊपर से। सिर हमेशा रुमाल से ढके रहते थे। 25 तारीख को थोड़ी देर धूप में बाहर स्वामी जी महाराज बैठे और मैंने देखा कि जब भी गुरु महाराज धूप में आते तो प्रेमीगण उनको घेर लेते रहे। फिर तब स्वामी जी महाराज को मजबूरन अपने कमरे में जाना पड़ता था। जय गुरुदेव।